चर्चा यानी फटाफट सेशन में चलते हैं तो उस गांव के लोग ऐसी ऐसी अनशंत बातें बोलते हैं कि हम लोगों का मनोबल टूट जाता है। भैया आपसे आग्रह है कि ऐसी नौबत गुरु की दया से नहीं आएगी ही आएगी, उसको तो अगर रोक दिया जाएगा तब आप महादेव के सर पर पेशाब करने लगेंगे, हम लोग के सर पर तो जरूर कहेगा मैं तो जिसको करता हूँ उसे उसे अस्थाई बन जाता है। तो आपका अहंकार इस डिग्री पर जाएगा कि आप अपने गुरु को कहिएगा आप नीचे बैठे ऊपर बैठे, ये संभव ही नहीं है, परेशानियां आएंगी ही आएंगी, नहीं आएंगी तो डाल दी जाएगी। कोई आदमी जो कोई परेशानी कर्म फल में नहीं है गुरु डाल देंगे, बिना परेशानी के शिव को चलेगा किसे? बिना संघर्ष के आप बढ़ सकते हैं क्या? ये पेड़ के बीज जमीन का सीना उतना मुलायम होते हैं, अंकुर का कितना मुलायम होता है, जमीन का सीना फाड़ के बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद आंधियां बर्दाश्त करते हैं, धूप बर्दाश्त करते हैं, पानी की बौछार बर्दाश्त करते हैं और तब खड़े होते हैं। बिना दुख और परेशानियों के आपका परिमार्जन हो ही नहीं सकता। बहुत सुख में लड़का जो पला हुआ है वो बर्बाद है, क्या उसने परेशानियां देखी नहीं, उसका अहंकार बढ़ता जाए। और जब कहा जाता है अहंकारी से ज्यादा अच्छा है आप बुरा आदमी हो, कहा जाता है कोई अहंकारी है, कहा जाता है कि अहंकारी से ज्यादा अच्छा है आप बुरा आदमी, क्या जो बुरा आदमी होगा उसको अहंकार होगा नहीं करेगा, वो जानता है कि हम समाज की नजर में उतरे हुए हैं, उसको अहंकार जरूर नहीं करेगा, करेगा गलत काम ये उसको अहंकार नहीं जरूर, एक जानता है कि वो सब पूछता है कि हम ये काम करते हैं डकैती करते हैं उसको अहंकार नहीं जरेगा। लेकिन ऐसे तो इसीलिए भाई साहब अगर परेशानियां नहीं हो रही हैं तो मुझसे मांग लीजिए मैं दे सकता हूँ, हटाऊंगा तो नहीं, चलना तो उसी में होगा। जो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं विश्व उन्हीं का नाम जानता है, जो समतल मैदान में चलते हैं उनका कोई नाम नहीं जानता। एवरेस्ट पहाड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? शेरपा तेंजिंग, एवरेस्ट पर भारत पड़ोस का कोई सबसे पहला आदमी वही चढ़ा था, दार्जिलिंग जिले का रहने वाला था। जब मैं तीसरा चौथा में पढ़ता था तब उससे मिलने गया होगा, बुरा हो गया। तो आज दुनिया जानती है कि एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा था। एवरेस्ट पर चढ़ना कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, शिव शिष्टता का झंडा लेके आगे निकल जाना आसान नहीं है, परिस्थितियां विषम है, होंगी ही होंगी। आज तक शिव गुरु ही नहीं हुए 5000 साल के इतिहास में, इतिहास तो 10000 साल का है, उसके पहले का नहीं है, गुरु ही नहीं हुए। आप नई नई बात कहिएगा कोई सुनेगा? सुनेगा तो कठिन तो है, और इसमें आपको निकलना। और अगर आप समझते हैं कि परेशानियां नहीं है तो शिव सीता छोड़ दीजिए, आएगी आएगी ही आएगी, वो तो हर्डल रेस तो आपको पार करना ही है, तो घोड़वा सारा दुखी चाल कौन बोलते हैं उसको, उछल गए करेगा उसको, हर्डल रेस से ट्रेनिंग दिया किया जाता है, तब उस साला महाराणा प्रताप का घोड़ा किले के ऊपर दीवार से नीचे जंप कर जाता है। हर्डल रेस तो होगा, उसको मुसीबतों का सामना करना सिखाया ही नहीं, परेशानी तो होगी। और चलना मर्द वही है जो इसमें चलते हैं, जो तूफानों में चलते हैं वही इंसान है। गुरु की दया हेतु की होती है, कब और कैसे? शिष्य के लिए ना, शिष्य के लिए ना बाबू, गुरु का मन ही शिष्य होगा। तो पहले सर्टिफिकेट दे दीजिए कि आप महादेव को चेला, तब इसका उत्तर हम दे, आप महादेव के शिष्य हैं इसका प्रमाण पत्र हमको दे दीजिए, हम बता देंगे कैसे दे रहा हूं, उसका कोई कारण नहीं होता, है ही नहीं आप, हम भी नहीं है,
हम लोग सब उस रास्ते में चल रहे हैं, मंजिल दूर है। हाँ, मुंह से तो बोला ही जाता है, जो शिव का शिष्य होगा वह शिव, पूर्ण शिष्य का मन ही होता है शिव गुरु, कुछ समझ नहीं। कोई 60% पर है, कोई 70% पर है, कोई 20% पर है, कोई 10% पर है, कोई 0 पर है, कोई माइनस पर है, ऐसे चल रहा है। चलने में नहीं देखते हो कोई सबसे आगे है, कोई बीच में है, कोई इधर है, कोई सुस्ता के बैठा है, थोड़े के बाद यू चलेगा, आज ही आ जाएगा तो लौट जाएगा। दूर हमने जो शिव शिष्यता में मन कमजोर होता जा रहा है, शिव कार्य में जाने से कतराता है, साहब श्री से अनुरोध है कि उपाय बताएं। हाँ, बता चुका, उपाय जान के आप लोग पूछते हैं कि हम नहीं जानते। 1000 बार बताए, कितना बार बताए। अरे यार, गुरु का आदेश क्या है? दूसरों को शिव शिष्य बनाना, यही ना, कुछ तो नहीं बोले बेचारे। हम काबिल बन के उसमें दो को चीज और जोड़े, दया मांगिए, अपने गुरु को प्रणाम। बोले ना जी, 3 सूत्र है ना, खाली इतने बस सूत्र 2 नंबर में लिखा हुआ है, या गुरु आदेशित कर्म है, पहला तीसरा में क्या हुआ है? मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने लिख दिया है, गुरु का आदेश किया है, बाकी 1 और 3 में नहीं लिखा है, इसका मतलब नहीं है। हमने क्यों डाल दिया? हम जानते हैं कि गुरु का आदेश वही करेगा जिसमें थोड़ा शिष्य भाव आए, जरूरत नहीं करेगा। तो शिष्य भाव पहले जगेगा तब ना गुरु का आदेश करिएगा। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि प्रणाम करो, मास्टर बोलता है आपको प्रणाम करो, मास्टर नहीं बोलता आपको प्रणाम करो, गार्जियन बोलता है जाना तो मास्टर साहब को प्रणाम करना। अच्छा, कैसा लगेगा महादेव अपने मुंह से कहे कि हमको प्रणाम करो? आप कहते हैं बाद में कहते हैं बड़ा हरामी कर चला, प्रणाम नहीं किया, उसके मुंह पर बोलते हैं तुम उनको प्रणाम नहीं बोलते हैं, आपको शर्म आती है कि अपनों को कैसे हम प्रणाम कराए। किसी को कहेंगे महादेव हमसे दया मांगो, आप कभी कर नहीं करते हैं, तू कहेगा? इसलिए उसने कहा ही नहीं, लेकिन हैरान ने कहा इसको करो तभी दूसरा सूत्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। तू उपाय तो बतेले है, करने कभी नहीं किया था।